दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और शिखर धवन को एक खतरनाक और बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का 8वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा कि आखिरकार किस तरीके से पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, पूरा हाईलाइट इसका वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन और प्रभ सिमरन ने शानदार तूफानी बल्लेबाजी खेली और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन और जोश बटलर के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जहां पर पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन और प्रभ सिमरन क्रीज पर आते हैं पहले ओपनिंग के तौर पर, और आते ही प्रभ सिमरन ने एक दमदार शुरुआत की। हालांकि अगर वह इसे बनाए रखने में कामयाब होते हैं तो पंजाब की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल हो सकती है। वहीं पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ने आईपीएल 2023 के अपने दूसरे मैच में भी शानदार शुरुआत की, जहां पर वह 15 गेंद में 30 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं, जबकि धवन 13 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 63 रन बना लिए थे, जहां पर प्रभ सिमरन सिंह 23 गेंद में 45 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं शिखर धवन 14 रन बनाकर इनका बखूबी से साथ निभाते हैं। वहीं राजस्थान के स्टार गेंदबाज अभी तक पंजाब को पहला झटका नहीं दे पाए थे, जहां पर धवन और प्रभ सिमरन ने पंजाब को जबरदस्त शुरुआत दिलाई है। वहीं सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन ने 28 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बता दें प्रभ सिमरन ने इस दौरान 7 चौके और 2 शानदार छक्के भी जड़े थे, और इसी के साथ ही पंजाब किंग्स को पहला झटका लगता है, जहां पर प्रभ सिमरन सिंह 34 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं, और उन्होंने इस पारी के दौरान 7 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए थे, जहां पर जेसन होल्डर ने ओवर में बटलर ने लॉन्ग अपर डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। वहीं प्रभ सिमरन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरते हैं भानुका राजपक्षे, जो कि चोटिल होने के बाद रिटायर्ड हट हो गए हैं। दरअसल 11वें ओवर की पहली गेंद पर धवन ने सीधा शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े भानु के दाएं हाथ पर जाकर लगी, और इस वजह से वह मैदान के बाहर चले गए। आपको बता दें कप्तान शिखर धवन एक बार फिर कप्तानी पारी खेल रहे होते हैं, जहां पर राजस्थान के खिलाफ वह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं भानु रिटायर्ड हट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं आपको बता दें पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने 36 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने युजेंद्र चहल के ओवर में लगातार गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए और यह मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। हालांकि अगली गेंद पर वह आउट होने से बाल बाल बचे। वहीं धवन और जितेश के बीच दूसरे विकेट के लिए 36 गेंद में 66 रन की साझेदारी हो जाती है, जहां पर जितेश भी अच्छी पारी खेलते हुए आ रहे होते हैं। वहीं पंजाब के बल्लेबाज रितेश शर्मा 16 गेंद में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं अपनी पारी के दौरान उन्होंने 2 शानदार चौके और 1 शानदार छक्का भी जड़ा था, और आपको बता दें दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी होती है। वहीं पंजाब किंग्स को लगातार ओवर में 2 झटके लगते हैं, जहां पर जितेश के आउट होने के बाद रजा भी पवेलियन लौट जाते हैं और अश्विन ने रजा को क्लीन बोल कर दिया। वहीं पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर 174 रन बना लेते हैं, जहां पर धवन 50 गेंद में 8 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 73 रन बना चुके होते हैं। वहीं कप्तान शिखर धवन ने 54 गेंद में 85 रन बना लिए थे और पंजाब ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 190 रन बन जाते हैं। वहीं आपको बता दें पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बना लेते हैं, जहां पर पंजाब के लिए शिखर धवन ने 86 और प्रभ सिमरन ने शानदार 60 रनों की पारी खेली। पंजाब द्वारा मिले 198 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतरती है, जहां पर रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी के तौर में बदलाव होते हुए बटलर की जगह अश्विन को भेजा जाता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को दूसरे ओवर में ही पहला झटका लगता है, जहां पर अर्शदीप सिंह ने यशवी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर जायसवाल 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट होते हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज के रूप में ऊपर भेजे गए अश्विन कुछ भी कमाल नहीं दिखा सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं अश्विन ने 4 गेंदों का सामना किया, जबकि अर्शदीप ने इससे पहले जायसवाल को अपने पहले ओवर में आउट किया था। वहीं संजू सैमसन और जोश बटलर से राजस्थान को काफी बड़ी उम्मीदें होती हैं। वहीं इस समय दोनों शानदार लय में भी नजर आ रहे थे। राजस्थान ने 5 ओवर में 2 विकेट खोकर 48 रन बना लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका एक बार फिर लगता है, जहां पर टीम के स्टार बल्लेबाज जोश बटलर 11 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
जहां पर उन्हें नाथन एलिस ने आउट कर दिया। वहीं संजू सैमसन की टीम राजस्थान ने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे, जहां पर जोस बटलर, यशवी और अश्विन पवेलियन लौट गए थे। टीम ने 6 ओवर में 3 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। वहीं राजस्थान ने 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 89 रन बना लिए थे। टीम को अभी भी यहां जीत के लिए 60 गेंदों में 109 रन चाहिए होते हैं, लेकिन संजू और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद होकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी पवेलियन लौट गए, जहां पर टीम ने 12वें ओवर में कप्तान के रूप में 4वां विकेट गंवा दिया, जहां पर संजू ने इस दौरान 25 गेंद में केवल 42 रन ही बनाए थे। वहीं संजू सैमसन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरते हैं रियान पराग ने आते ही कुछ बड़े शॉट लगाए, जिससे टीम की जीत की उम्मीदें फिर बढ़ने लगी। इस समय पराग और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद होकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली थी। टीम ने राजस्थान के 5 विकेट गिरा दिए थे, जहां पर रियाज पराग भी 12 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस दौरान उन्होंने 1 शानदार चौका और 2 शानदार छक्के भी लगाए थे। वहीं पंजाब के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 4 विकेट हासिल कर लिए हैं, जहां पर उन्होंने पहले तीसरे ओवर में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। वहीं पहली गेंद पर उन्होंने पराग को, जबकि फिर आखिरी गेंद पर पडिक्कल को पवेलियन भेज दिया। और इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स 16 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लेते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए अभी भी 12 गेंदों में 34 रन चाहिए होते हैं, जहां सिमरन हेटमायर 15 गेंद में 31 रन बनाकर, जबकि ध्रुव जुरेल 7 गेंद में 12 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से जीत की तरफ ले जाते हैं। वहीं आखिरी ओवर काफी रोमांचक हो जाता है, जहां पर आखिरी ओवर यानी 20वें ओवर में 6 गेंद में जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता होती है, लेकिन पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रनों से हरा दिया। टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए होते हैं, लेकिन राजस्थान की टीम 10 रन ही बना सकी। इस तरीके से पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2023 के 8वें मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 197 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। पंजाब के जीतने के बाद भी पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हो गया है, जहां पर पंजाब दूसरे स्थान पर पॉइंट टेबल में पहुंच चुका है, जबकि गुजरात पहले स्थान पर है, जहां पर 2 मैच खेला है और दोनों मैच जीत गए हैं। वहीं पंजाब 2 मैच खेला है, दोनों मैच जीत गए हैं और दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर है बंगलोर, जहां पर 1 मैच खेला है और 1 मैच जीता है। वहीं चौथे स्थान पर राजस्थान है, जहां पर राजस्थान ने 2 मैच खेला है और 1 मैच हार गया है और 1 मैच जीता है। वहीं 5वें नंबर पर लखनऊ है, जहां पर लखनऊ ने 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। वहीं 6ठे नंबर पर आता है चेन्नई, जहां पर चेन्नई ने 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। वहीं 7वें नंबर पर कोलकाता है, जहां पर कोलकाता ने 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं 8वें नंबर पर दिल्ली है, जहां पर दिल्ली ने 2 मैच खेला है और दोनों हार गए हैं। वहीं 9वें नंबर पर मुंबई है, जहां पर मुंबई 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं सबसे लास्ट यानी 10वें नंबर पर हैदराबाद है, जहां पर हैदराबाद ने 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं पॉइंट टेबल में 4 पॉइंट के साथ ही गुजरात टॉप पर बरकरार है और 4 पॉइंट के साथ ही पंजाब भी दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है।